हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आ गया हूँ एक और न्यू बढ़िया सी वीडियो लेके। सो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग लोडेड फर्नीचर सीजन 2 डाउनलोड कर सकते हो। पार्ट 2 आप लोग समझ सकते हो। हमें पूरा सामान के साथ मिलता है, हमें ढूंढना नहीं पड़ता है। तो फटाफट से चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो गाइज, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है ये वेबसाइट की, मोड की। सो आप उसे बाद में जाके चेक करना, पहले वीडियो एंड तक देखना तक, तभी ही आपको समझ में आएगा। तो फटाफट से यहाँ से मोड डाउनलोड कर लो और जेड अर्चीवर डाउनलोड करके उसमें चले जाओ। जेड अर्चीवर के डाउनलोड्स में चले जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ। डाउनलोड्स में जाके ये जो हमारा मोड है उसे एक्सट्रैक्ट कर लो, इसे बहुत टाइम लगेगा। Much later. एक्सट्रैक्ट हुए बाद हमें बिहेवियर पैक्स की फाइल मोजैंग फोल्डर में, गेम्स के फोल्डर में जाके, मोजैंग फोल्डर के इसमें जाके बिहेवियर पैक्स में कॉपी कर लेनी है। इसे कॉपी करे बाद मिलता हूँ। Much later. बिहेवियर पैक्स की फाइल अब कॉपी हो चुकी है। मैं ऑफिस से डाउनलोड में आ गया। मैंने रिसोर्स पैक की फाइल कॉपी कर ली एंड मैं इंटरनल डिवाइस मेमोरी में जा रहा हूँ। देन यहाँ से गेम्स में, देन यहाँ से mojang.com में, यहाँ से रिसोर्स पैक में जाके मैंने यहाँ पर ये भी कॉपी कर दी। सो गाइज, इतना होने के बाद हमें सिंपली माइनक्राफ्ट खोल लेना है। यहाँ से हमें जाना है क्रिएट न्यू वर्ल्ड कर लेना है। यहाँ से हमें जाकर क्रिएटिव करना है। देन हमें जाकर फ्लैट करना है नीचे थोड़ा सा जाके। यहाँ से हमें एक्सपेरिमेंटल गेम प्लेस ऑन कर देना है, इसके बिना नहीं हो सकता है। एंड आप लोग को 1.17.11 का अपडेट का वीडियो चाहिए माइनक्राफ्ट का फ्री में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर बताना। और हमें यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है, मैं मेरे वर्ल्ड में आ चुका हूँ। सो आपको ये कमांड टाइप करनी होगी, इससे आपको सब फंक्शन दिख जाएंगे। मैंने सेटअप चूज करा, स्लैश फंक्शन एंड सेटअप, यहाँ पर बहुत सारे हैं। सो मैं फटाफट से सेटअप चूज कर लेता हूँ। एंड मेरे पास जो जो जिससे बना सकते हैं वो सब आ चुका है मेरे पास। सो देखते हैं, फटाफट बनाते हैं। सो गाइज, ये चेयर जब से उल्टी लग रही थी, मैंने बहुत कोशिश की, फिर बहुत पढ़ाई लिखाई के बाद मुझे मालूम पड़ा कि इसके पीछे ब्लॉक लगाना पड़ता है। एंड ये फाइनली हमारा पूरा सेटअप बन चुका है गाइज। एंड मैं अभी यहाँ पर कैमरा लगा रहा हूँ। एंड मैं मुझे लगा ये मोबाइल HDMI का रहेगा, इसलिए मैं CPU के पीछे चले गया, मगर ये तो सादा मोबाइल का स्टैंड था। मैंने यहाँ पर लगा दिया। कैमरा भी मैंने निकाल लिया था, कैमरा मैंने यहाँ पर लगा दिया। कैमरा बहुत ही सही दिख रहा था। एंड यहाँ पर मैंने एक जो मॉल्स में गेम खेलने की मशीन रहती है वो भी लगा दी। मैंने यहाँ पर एक बोट का स्पीकर रख दिया एंड मैंने यहाँ पर एक मोबाइल स्टैंड लगा दिया। ये सो गाइस, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बाजू में जो बेल आइकन आता है उसे भी ऑल पर सेट कर दो, ताकि आप मैं जो भी वीडियो डालो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड लाइक कर दो मेरे वीडियो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।